ओम शांति। आज 15 अक्टूबर 1975 प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्यों पर हम मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है आत्मघाती महापापी न बनकर डबल अहिंसक बनने की युक्तियाँ। अपने गुणों और अपनी शक्तियों को वरदान रूप में देकर मनुष्य आत्माओं को सर्वश्रेष्ठ एवं महान बनाने वाले विश्व कल्याणकारी शिव बाबा बोले। आज बाप दादा बच्चों का गुणगान कर रहे थे। गुणगान करते देखा कि ड्रामा के अंदर बच्चों का कितना ऊंचा और सर्वश्रेष्ठ पार्ट है, वो भी कल्प में इसी संगम युग पर ही महिमा योग्य बनते हैं। इसी युग में स्वयं परमात्मा भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की महिमा गाते हैं। इस समय ही तुम डबल महिमा के अधिकारी बनते हो। इसमें बाबा ने डबल डबल 10 बार ही कहा है क्या क्या डबल है तुम्हारा। यानी बाबा ने कहा है कि स्वयं भगवान बच्चों की महिमा करे। तो बाबा कहते हो केवल और केवल इस थोड़े से संगम युग पर ही करते हैं जब बाबा स्वयं आते हैं। वास्तव में तो जैसा मुरली के आदमी कहा गया, बाबा बच्चों को ही स्वयं ही महिमा योग बनाते हैं, नहीं तो बच्चों में क्या है कि महिमा। जैसे सूर्य होता है, सूर्य की रोशनी ही चंद्रमा और सितारों को रोशन करती है। उनके अंदर अपनी रोशनी तो होती नहीं, लेकिन सूर्य से रोशनी लेकर भी चंद्रमा भी सारे दुनिया को शीतल रोशनी प्रदान करता है। सितारे भी रात को रिमझिम करते हुए आकाश में नज़र आते हैं। तो बाबा कहते हैं, पहले तो बाबा वैसे तो कह रहे हैं कि बच्चों की बाबा महिमा कर रहे हैं, महिमा योग्य बच्चे बने हैं, लेकिन बनाया तो बाबा नहीं है ना। तो बच्चों को महिमा योग बनाकर बाबा उनकी महिमा कर रहा है। जैसे कोई किसान होता है, फार्मर, वो अपनी फसल को बोता है, जब फसल लहलहाती है तो उसको देखकर हर्षित होता है ना, देखो मेरी वो फसल देखो कितनी शानदार लहलहा रही है और अब ये कितनी वैल्यूएबल हो गई है, ये मेरे सारे वर्ष का शरीर निर्वाह कराएगी, मुझे खुशहाल करेगी। वो सारा देख करके फसल लहरा रही है, वो खुशी में खुश हो रहा है। या एक पिता है, गरीब पिता भी होता है, लेकिन एक पिता है वो अपने बच्चों पे मेहनत कर करके उनको अपने से भी ज़्यादा लायक बना देता है। और वो बच्चे जब कोई डिग्री लेके आते हैं तो पिता कितना खुश होता है, फूला नहीं समाता। तो बाबा उसी स्थिति में कह रहे हैं कि मैं बच्चों की महिमा करता हूँ और डबल महिमा। एक बाप समान मास्टर सागर बनते हो। हाँ, बाबा कहता है कि मैं सागर हूँ ना, ज्ञान का सागर, गुणों का सागर, प्रेम का सागर, शक्तियों का सागर, तो मास्टर सागर बनते हो। हमको भी उतना ही अब बाबा ने दे दिया है जो बाबा के पास था। और जो बाप के गुण हैं, हाँ, वह शक्तियाँ हैं, उन दोनों में मास्टर बनते हो। हाँ, उनमें भी हम मास्टर बनते हैं। साथ साथ आत्मा की श्रेष्ठ स्टेज की भी महिमा है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, इस महिमा का भी प्रैक्टिकल में अनुभव अभी करते हो। 16 कलाएं क्या हैं, मर्यादाएं क्या हैं,
इन सब बातों की नॉलेज इस समय ही धारण करते हो तो ही डबल महिमा के योग्य बनते हो। इसलिए डबल ताजधारी बनते हैं ना, दो जहान के मालिक बनते हैं। यानी यहाँ जो डबल बाबा ने कहा है, एक तो आत्म रूप से हमारी महिमा है, मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर प्रेम सागर, और फिर जो दूसरी महिमा बाबा ने बताई है वो है सर्वगुण संपन्न 16, ये शरीर रूप से है। यानी और तुम्हारी पूजा भी जो होती है, फिर वो आत्मा की भी पूजा होती है शालिग्राम के रूप में, शरीरों की पूजा होती है देवताओं के रूप में, हर चीज़ डबल डबल चल रही है। दो जहान के मालिक बनते हो, डबल पूजा के योग्य बनते हो, डबल वर्षा मुक्ति और जीवन मुक्ति इन दोनों के अधिकारी बनते हो। वर्षा भी डबल है, डबल ताजधारी बनते हो, डबल अहिंसक बनते हो और डबल बाप के लाडले और सिक्की लधे बच्चे बनते हो। बाप और दादा दोनों का। ऐसे बच्चों की श्रेष्ठता का गुणगान कर रहे थे कि बच्चे कैसे बालक बनकर विश्व के मालिक के भी मालिक बन जाते हैं। ये भी डबल है, बालक भी बनते हैं मालिक भी बनते हैं, पर मालिक वही बनते हैं जो पहले बालक बनते हैं। ऐसे अपनी महिमा क्या स्वयं भी सुमिरण कर हर्षित होते हो? इस सुमिरण से कभी भी माया का वार नहीं हो सकेगा। जो इस सुमिरण में सिमरता रहेगा, इसमें रमता रहेगा, इसी लगन में मगन रहेगा, उसके पास माया आने का तो सवाल ही नहीं। विष्णु के लिए भी दिखाते हैं ना कि वो शेष सैया पर लेटे हुए लगन में मगन है और अति इंद्रिय सुख में रमन कर रहे हैं। बाप आज देख रहे थे कि कौन कौन से बच्चे किस स्टेज तक पहुंचे हैं। मुख्य बात है बाप समान सर्व गुणों में मास्टर सागर कहाँ तक बने हैं। सर्व शक्तियों का वर्षा प्रैक्टिकल जीवन में कहाँ तक अनुभव किया है, साथ साथ आत्मा की जो श्रेष्ठ व महान स्टेज है, संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक, इस महानता को कहाँ तक जीवन में लाया है। यानी बाबा कहते हैं मुख्य बात है कि गुणों को कहाँ तक प्रैक्टिकल जीवन में लाया, गुण स्वरूप कितने बने। गुण संपन्न अवस्था का केवल गायन ही है और सर्व गुण संपन्न की अवस्था में यदि एक भी गुण की कमी है तो उन्हें फुल महिमा के योग्य नहीं कहेंगे। एक हो गया गुण संपन्न, एक हो गया सर्व गुण संपन्न। तो बाबा कहते हैं महिमा जो है वो सर्व गुण संपन्न की होती है। अगर ज़रा सा भी एक गुण कम हो गया तो वो फिर महिमा लायक नहीं रहता। बाबा इसमें चंद्रमा का उदाहरण दिया करते हैं कि पूर्णमासी से एक दिन पहले भी चंद्रमा लगभग पूर्ण ही होता है और एक दिन बाद भी लगभग पूर्ण ही होता है, लेकिन क्योंकि धीरे धीरे उसकी कलाएँ कम होती हैं, 16 दिन लगते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं गायन और महिमा पूर्णमासी की होती है। पूर्णमासी के दिन आपका गर्दन अपने आप ऊपर जाएगी कि वो देखो आज पूर्णमासी है, चंद्रमा को देखकर आपको याद आएगा आज पूर्णमासी है। एक दिन पहले नहीं जाएगी, एक दिन बाद में नहीं जाएगी, तो ये नेचुरल है ना। तो संपन्नता और संपूर्णता ही अपनी ओर फूल आकर्षित करती है। तो बाबा कहते अपने आप को चेक करो कि सर्व गुणों में से कितने गुणों में और कितने परसेंटेज में
स्वयं में गुणों की कमी है। हाँ, उसको पूरा करना है। गुण भी देखने हैं और हर गुण की परसेंटेज भी देखनी है। ऐसा ना हो कि सारे गुण हो, एक गुण ही ना हो, एक गुण गौण हो। फिर ये है कि सारे गुण तो हैं लेकिन उनकी जो प्रकाष्ठा है उनकी संपन्नता में कमी हो, दोनों चीज़ें चेक करनी है। 16 कला अर्थात सर्व विशेषताओं में संपन्न, अर्थात जैसा समय वैसा स्वरूप बना सके और जैसा संकल्प वैसा स्वरूप में ला सके। दोनों बात है, जैसा समय वैसा स्वरूप बना सकें और जैसा संकल्प उसको प्रैक्टिकल में ला सकें। बाप द्वारा प्राप्त हुए पुरुषार्थ की विधि द्वारा सर्व सिद्धियां समय पर स्वयं के प्रति व सर्व आत्माओं की सेवा के प्रति कार्य में लगा सके। ये जो बाबा ने दोनों सेंटेंस बोले हैं ये हमारा समझिए कि पूरा पूरा लक्ष्य इसमें आ जाता है। ये समय पर अब जैसा स्वरूप चाहिए वैसा बना सकें और फिर जो जिस प्रकार की शक्ति चाहिए वो समय पर उस स्वरूप में ला सकें। ये बाबा ने बताया, जब मन मतलब जैसे फुल मोल्डिंग पावर हो तभी सफलता होगी ना, और अपने लिए और अन्य के लिए भी जिस समय जिस प्रकार की विशेषता की आवश्यकता हो वो प्रैक्टिकल यूज़ में उसको प्रयोग कर सके। बाबा कह रहे हैं सर्व शक्तियों को अनुभव में लाते हुए सर्व आत्माओं के प्रति उनों की आवश्यकता प्रमाण वरदानी रूप में दे सके। उनकी आवश्यकता के अनुसार एक होता है जो आपके पास है वो आप दे रहे हैं, इसको कहते हैं दान, और जो है दूसरे की आवश्यकता है उसको आप पूरी करें उसको कहते हैं पुण्य। मान लीजिए कोई व्यक्ति कपड़े बांट रहा है, आप कपड़े बांट रहा है क्योंकि उसने ये दान करने का फैसला किया कि मैं सबको वस्त्र दूंगा, वस्त्र दान कर रहा है। बीच में एक व्यक्ति को ज़ोर से पानी की प्यास लगी है, वो कहे अगर मैं तो वस्त्र दे रहा हूँ भाई पानी का प्रबंध अपना करो, लेकिन वो अगर उसको पानी भी साथ में देता है पुण्य गिना जाएगा ना, इसको सोने पर सुहागा कहते हैं। बाबा कह रहे बाप द्वारा सर्व बातों में बैलेंस रख सकें, अर्थात अभी अभी लॉफुल अभी अभी लॉफुल बन सकें। ये भी एक आर्ट है कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति में भी सहज ही जा सकें बगैर किसी कष्ट के। यानी जहाँ जब आपको उमंग उत्साह में आना है तो तुरंत उमंग उत्साह में आ जाए, जब आपको शीतला रूप बनना है तुरंत शीतला रूप बन जाए, बीच में टाइम ना लगे। ये भी क्योंकि उस समय वो एनर्जी वो शक्ति सामने ले आए जिसकी आवश्यकता है। लव एंड लॉ या बैलेंस जिसको बाबा कहते हैं उससे भावार्थ क्या है? अब ये गहरी बात है कि जो लॉफुल होता है वो हर नियम और हर मर्यादा का पालन करता है, इसको कहते हैं लॉफुल। किसी में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, जैसा करना है वैसा ही करेगा। और जो लवफुल होता है उसका अर्थ ही क्या होता है कि कहा जाता है कि लॉज डू नॉट अप्लाई इन लव एंड वार। तो स्नेही जो होता है उसके लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। कहने का भाव ये है उसमें वो अपने लॉ को भी थोड़ा एडजस्ट कर लेता है स्नेह के कारण। अब क्वेश्चन ये है अगर आप लॉफुल हैं तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं तो आप लवफुल हैं, लवफुल हैं तो आप लॉफुल नहीं हो सकते। दुनिया के हिसाब से मोटे रूप से लॉफुल हैं तो लवफुल नहीं हो सकते, लेकिन भगवान जो है परमात्मा स्वयं लव और लॉ का बैलेंस रखते हैं। परमात्मा किसी के साथ
कोई भी किसी प्रकार की रायत नहीं करते, वो उनका नहीं तो नियम ही टूट जाए। परमात्मा तो मर्यादाओं को सेट करने वाले हैं, विधि के विधाता हैं, तो लेकिन परमात्मा को लोग सब प्यार करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि वास्तव में जो न्यारा है वही प्यारा हो सकता है सच्चे रूप से, और जो प्यारा है वही न्यारा हो सकता है। कहाँ किससे प्यार करना है और किससे न्यारे होना है, ये जजमेंट है। जैसे हम कहते हैं ना, अगर आप दुनिया से न्यारे हैं तो परमात्मा को प्यारे हैं, परमात्मा से न्यारे हैं तो दुनिया को प्यारे हैं। अर्थात अगर आप मर्यादाओं को, नियमों को, हर चीज़ को पालन करते हैं तो परमात्मा को प्यारे हैं, और अगर इनका उल्लंघन करते हैं तो माया को प्यारे हो जाते हैं, परमात्मा न्यारा हो जाता है। तो इनके डेलिकेट बैलेंस में चलना, कि जहाँ जितनी मात्रा में जिसके साथ जैसा व्यवहार करना है वो करें, कहीं लवफुल होने की आवश्यकता होती कहीं लवफुल। आपने पूछा, इसके एक सहज उदाहरण भी है बैलेंस से भावार्थ का। इसका सहज उदाहरण भी है बैलेंस से। लोग कई बार अपने सामने तराजू ले आते हैं, तो जो तराजू होता है वो तो कोर्ट में यूज़ होता है, वहाँ तो लाख ही लाभ लाई होता है। अगर आपने बैलेंस देखना हो कि बैलेंस का भावार्थ क्या है, तो सिंपल एग्जांपल आप देख सकते हैं भोजन बनाने का। माताएं भोजन बनाती हैं, ठीक है। अब भोजन के अंदर किसी चीज़ को पकाया जाता है, अगर वो ज़्यादा पक जाए तो भी नुकसान ठीक नहीं रहता, कच्ची रह जाए, थोड़ी कम पके तो भी ठीक नहीं रहता। फिर व्यक्ति कोई सब्जी बनाता है या दाल बनाता है, उसके अंदर कई चीज़ें डाली जाती हैं, नमक भी डाला जाता है, मसाला भी डाला जाता है, घी भी डाला। अगर किसी चीज़ का बैलेंस कम हो जाए, यद्यपि दाल तो मोटी चीज़ है लेकिन उसमें नमक कितना होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, ये बैलेंस है। कि हर व्यक्ति, यानी इसकी महीनता है कि एक तो यह है कि जैसा हो वैसा ही हो, ना कम हो ना ज़्यादा हो, ठीक है, इसको बैलेंस कहा जाता है। अब जीवन में भी कहते हैं ना, उस्तति और निंदा। उस्तति बिल्कुल अलग चीज़ है, निंदा अलग चीज़ है, उन दोनों में समान रहना, वो रह सकता ना जो बैलेंस। कभी कभी बाबा उसका भी एग्जांपल देते हैं, जो रस्सी के ऊपर व्यक्ति चलता है ना, रोप वाकर होता है, तो आप देखिए छोटी सी रस्सी पे चलता है वो, और इधर उधर क्राउड देख रहा होता है, कभी वो इधर को झुकता है कभी उधर को झुकता है, तो लोग के समझते अभी गिरा अभी गिरा, लोगों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, लेकिन वो अभ्यस्त होता है तो वो उसको पार कर जाता है। उसको पता है कि चलना है रस्सी पर, किधर को झुकता है किधर को बैलेंस करते करते चलना है। तो वो जो आर्ट है वही बैलेंसिंग है। अभी अभी महाकाली रूप, अभी अभी शीतला रूप बन सके, ऐसी सर्व विशेषताएं अर्थात 16 कला संपन्न, सर्व इसके लिए सर्व कर्मेंद्रियों और सर्व आत्मिक शक्तियों, मन बुद्धि और संस्कार, इन सर्व पर अधिकार चाहिए। तीनों पर ऐसा अधिकारी ही 16 कला संपन्न बन सकता है। तीनों पर अधिकार चाहिए, मन बुद्धि और संस्कार, संस्कार तीनों अपने वश में हो। इसी प्रकार से शरीर की जो इंद्रियां हैं वो भी अपने वश में हो, तब जो इनको कंट्रोल करता है वही 16 कला संपूर्ण बन सकता है। कोई भी कमजोरी वाला कला नहीं दिखा सकता, अर्थात विशेषताएं नहीं दिखा सकता। कला वही दिखा सकता है, कला का अर्थ ही होता है विशेषता, और सर्व विशेषताएं 16 कला। बाबा कहते हैं कमजोरी वाला तो कला दिखा ही नहीं सकता। दुनिया के अंदर कहते हैं माइंड कंट्रोल, कि मन जीते तो जगत जीत, लेकिन अगर आपके संस्कारों पर कंट्रोल नहीं है, संस्कारों से ही तो संकल्प उत्पन्न होता है, और संकल्प ही मन और बुद्धि को डिस्टर्ब करता है। तो बेसिक तौर पे अगर संस्कारों पे कंट्रोल नहीं है तो माइंड कंट्रोल से क्या होगा। हैं, मान लीजिए कि किसी टैंक में गंदा पानी भरा हुआ है और उसकी जो टैप है टूटी है, उससे गंदा ही पानी आएगा। कोई कहे मैं टैप बंद कर दूं तो गंदा पानी बंद हो जाएगा, लेकिन अंदर तो भरा हुआ है ना, जो ही खोलेगा वो पानी निकलेगा।
इसलिए टैंक साफ होगा तो पानी कितनी भी टूटी खोल लो साफ ही निकलना। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात सर्व विकार सर्व वंश सहित अंश मात्र भी अर्थात संकल्प व स्वप्न मात्र में भी ना हो। अभाव देवताओं की वन बाय वन क्वालिफिकेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। पहले 16 पहला संपूर्ण का बताया, अब संपूर्ण निर्विकारी का बताया। निर्विकारी नहीं, संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी विकार का जरा भी अंश मात्र ना रहे, उसको कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात हर संकल्प हर सेकंड हर कदम श्रीमत अनुसार अर्थात मर्यादा के प्रमाण हो। संकल्प भी व एक कदम भी ईश्वरीय मर्यादा की लकीर के बाहर न हो। अमृत वेले से रात के सोने तक हर कदम मर्यादा अनुकूल स्मृति वृत्ति और दृष्टि भी सदा ही मर्यादा प्रमाण हो। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहाँ तक बने हो। देखो कितना गहरा टेस्ट है कि सुबह से शाम तक सदा सारी मर्यादाओं का पालन हो, जिसमें बाबा ने कहा आपकी स्मृति आपकी वृत्ति आपकी दृष्टि वो लगातार बिल्कुल सदा मर्यादा युक्त रहे, ईश्वरीय मर्यादाओं के अनुसार। डबल अहिंसक अर्थात अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न में भी वार न करे। सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः स्मृति स्वरूप में हो। क्योंकि अगर भगवत गीता को देखोगे तो उसका जो लास्ट श्लोक है वो क्या है, स्मृति लब्धा, या मेरे को स्मृति आ गई है, मैं अपने होशो हवास में आ गया हूँ, जिस चीज़ की मुझे स्मृति चाहिए वो आ गई है, बाकी चीज़ों की विस्मृति हो गई है, नष्टो मोह में सब कुछ आ जाता। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा मोह देह का होता है, अपने शरीर का, और काम विकार की उत्पत्ति शरीर से होती है। इसलिए बाबा ने काम विकार का खास मेंशन किया है कि काम विकार की वृत्ति बिल्कुल खाबो ख्याल में ना हो, नेचुरल तौर पे रूहानी दृष्टि वृत्ति हो, भाई भाई की दृष्टि हो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। ऐसे डबल अहिंसक आत्मघात का महापाप भी नहीं करते। अब डबल हिंसक बाबा क्यों कहता है कि एक होती है शारीरिक हिंसा, जैसे किसी का खून करना, जानवर को काट के खाना, यह है हिंसा। दूसरी है विकारों द्वारा हिंसा, ये काम विकार क्रोध विकार लोभ मोह ये सभी हिंसा के भिन्न भिन्न रूप हैं। ये दोनों प्रकार के हिंसा से जो हट जाता है वो संपूर्ण अहिंसक कहलाता है। और इस मुरली में बाबा ने आत्मघात का शब्द यूज़ किया है। दुनिया के अंदर सुइसाइड को आत्मघात कहते हैं। सुइसाइड को हिंदी में क्या कहते हैं, आत्मघात, आत्महत्या, आत्महत्या। लेकिन बाबा कहता है वो सुइसाइड आत्महत्या नहीं, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं है। आत्मघात का मतलब है कि वैल्यूज़ का डिग्रेडेशन, आत्मा के अंदर जो मूल्य हैं, आत्मा के अंदर जो विशेषताएं और गुण हैं उनका गिरना, गुणों से अवगुण की तरफ जाना, ये आत्मघात है। आत्मघात अर्थात अपने संपूर्ण सतो प्रधान स्टेज से नीचे गिरकर अपना घात नहीं करते। ऊंचाई से नीचे गिरना ही घात है। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे आना अर्थात विस्मृत होना, यह भी पाप के खाते में जमा होता है। बाबा कहते हैं नीचे ऊपर होना
ये नीचे आना ऊपर वाले का ये भी तो पाप के खाते में जमा हो गया ना, क्योंकि वो नीचे आ गया। घात मैंने नीचे आना, गिरना, तो गिरना भी तो एक पाप गिना जाएगा ना, गिरावट। इसलिए कहा जाता है आत्मघाती महापापी। साथ साथ अहिंसक आत्मा कभी खून नहीं करती। खून करना अर्थात हिंसा करना। तो आप में से कोई खून करते हैं? अब बाबा ने खून की सूक्ष्म परिभाषा दी है। जो बाप द्वारा दिव्य बुद्धि व दिव्य विवेक व ईश्वरी विवेक मिला है वो मायावश, परमतवश, कुसंगवश, परिस्थिति के वश अगर ईश्वरीय विवेक को दबाते हो तो समझो कि ईश्वरीय विवेक का खून करते हो। जैसे किसी का गला दबा दिया जाता है तो बाबा कहते हैं सप्रेस करना, कॉन्शियंस को दबाना, दिखता है ये गलत है, उसको उल्लंघन कर देना, ये भी तो खून करने के बराबर हुआ ना। या दिव्य बुद्धि का खून करते हो, दिव्य बुद्धि को लांग कर, उसको दबा कर, दबोच कर और रॉन्ग काम कर लेना, बाद में फिर चिल्लाते हो कि चाहता तो नहीं हो लेकिन कर लिया, ना चाहते भी हो गया। गोया ये है ईश्वरीय विवेक का खून करना। झूठ बोलना, चोरी करना, ठगी करना, धोखा देना, इसको भी हिंसा व महापाप कहा जाता है। तो तुम ब्राह्मण चोरी कौन सी करते हो? शूद्रपन के संस्कार, स्वभाव व बोल व किसी के प्रति भावना ब्राह्मण बनने के बाद कार्य में लगाते हो व अपनाते हो तो गोया शूद्रों की वस्तु चोरी करते हो। देखिए ना, आम तौर पे दुनिया में जो है गरीब है वो अमीर की चोरी करता है, और यहाँ अमीर गरीब की चोरी कर रहा है। यानी सतोगुणी संस्कार को धारण करने वाला तमोगुणी संस्कार की चोरी करके उसको यूज़ कर रहा है, ये तो और भी बड़ी घटिया बात हो गई कि नहीं। तो बाबा कहते हैं कि शूद्रपन के संस्कार जो शूद्रों की प्रॉपर्टी है, तो शूद्रों की प्रॉपर्टी को आप यूज़ करो, जो आपकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है तो चोरी करी कि नहीं करी। तो बाबा ने चोरी की भी परिभाषा दी है, बहुत अच्छा डीप परिभाषा है। जबकि ये ब्राह्मणों की वस्तु ही नहीं है, तो दूसरों की वस्तु यूज़ करना अर्थात ब्राह्मण बनने के बाद आसुरी व शूद्रपन के संस्कार व स्वभाव धारण करना अर्थात हिंसा करना है। ये भी हिंसा है कि शुद्धता स्वच्छता के ऊपर गंदगी को लेके आना, वो भी तो हिंसा हो गए कि नहीं हो गए। तो ब्राह्मण संस्कार कहाँ और शूद्र संस्कार कहाँ? तो ब्राह्मण संस्कारों के त्याग कर शूद्र संस्कार को धारण करना, तो ये ब्राह्मण संस्कारों की तो हिंसा हो गई ना। ऐसे ही झूठ कैसे बोलते हो? हाँ, बाबा ने झूठ, चोरी, हिंसा सब वर्णन किया। कहते हो हम ट्रस्टी हैं, सब कुछ आपका है, तन मन और धन सब तेरा, फिर मैं पन में
मोहवश होकर चलते हो। तेरे को मेरा कह दिया तो अमानत में ख्यानत हो गई कि नहीं हो गई? कहा सब तेरा है और फिर मैं अपन के कॉन्शियसनेस में चलते हो, तो मैंपन लाना या मेरा समझना ये भी झूठ हुआ ना। झूठ हुआ। कहना तेरा और करना मेरा, झूठ हुआ ना। वायदा करते हो तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से बोलूं और तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं, लेकिन प्रैक्टिकल में अन्य आत्माओं से भी संबंध व संपर्क रखते हो। बाप की स्मृति के बजाय अन्य स्मृति भी साथ साथ रखते हो, तो ये भी खून हुआ ना। वायदा है कि मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई, अगर वो नहीं निभाते तो ये भी झूठ हुआ। झूठ हुआ। यानी बाबा सूक्ष्म से बता रहा है आप इन चीज़ों से सावधान रहना कि मैंपन ले आए, मेरापन ले आए, और कहा बाबा तेरे साथ ही हम रहते हैं लेकिन अन्य की स्मृति में रहे, ये सारा झूठ ही हुआ ना। झूठ हुआ, चोरी हुई, ठगी हुई। ऐसे ही धोखा और ठगी कौन सी करते हो? हाँ। सबसे बड़ा धोखा स्वयं को देते हो कि जो जानते हुए मानते हुए फिर भी स्वयं को श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित कर देते हो। तो सबसे अपने लिए अपने को धोखा दे रहे हो। पता है संगम युग है, पता है ये बीता जा रहा है, पता है अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर भी अपने को वंचित करते हो, अलविला होते हो, लापरवाह। तो ये धोखा ही दे रहे हैं ना। किसको धोखा दे रहे हैं? भगवान को थोड़ी दे रहे हैं। ये हुआ स्वयं को धोखा देना। धोखे की निशानी है जिससे दुख की प्राप्ति होती है। साथ साथ ब्राह्मण परिवार में भी धोखा देते हो। अब सुबह कोई कहे कि मुझे नींद आलस आ रहा है, मैं बाबा मैं आलस में आ गया, मैं योग में नहीं जा सकता, धोखा नुकसान किसका हो रहा है? अपना हो रहा है ना। स्वयं को धोखा दे रहे हैं ना। कहना एक और करना दूसरा, अपनी कमजोरी को छिपाकर बाहर से अपना नाम बाला करना या अपने को अच्छा पुरुषार्थी सिद्ध करना, ये एक दूसरे को धोखा देते हो। यानी बाहर एक अंदर दूसरा, दो रूप धारण करना जिसको बहरूपिया कहते हैं, स्वयं को धोखा देते हो। अंदर पता है कि मैं मेरी धारणाएं नहीं है, और बाहर अपने आप को ऐसे धार करना मैं सभी धारणाओं का पालन कर रहा हूँ, ये सोचना कि दूसरे को क्या पता, भगवान के आगे भी समझते हैं भगवान को क्या पता। तो बाबा कहता है तो एक दूसरे को धोखा देते हो और भगवान को भी धोखा देने की कोशिश करते हो। कोई भी गलती करके छिपाना ये भी धोखा देना है। एक तो गलती कर दी और फिर उसको झूठ बोल दिया कि मैंने तो नहीं की, या उसको छुपाने की कोशिश की, ये भी धोखा है। वह ठगी करना है तो डबल अहिंसक अर्थात पुण्य आत्मा महान आत्मा जिससे कोई प्रकार का पाप ना हो। इनमें से जो बाबा ने बताए हैं कोई भी पाप जिससे ना हो वो है डबल अहिंसक। ऐसे अपने को चेक करो कि आत्मा की सर्वश्रेष्ठ स्टेज जो अभी सुनाई
वो कहाँ तक धारण की है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का बाप भी गायन करते हैं। तो आज ऐसे बच्चों का गुणगान कर रहे थे, वह माला सुमिरण कर रहे थे। भगवान भी ऐसे बच्चों की नाम की माला सुमिरण करते हैं। कैसे बच्चों की? जो डबल अहिंसक है, जिनके बाबा कहता है जो जिनका गुण गान करने योग्य है, लायक है, सर्वगुण संपन्न, जिनकी सारी विशेषता है, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, हिंसा परमो धर्म, इसी की बाबा ने ऊपर डेफिनेशन दी है ना, अहिंसा की तो कितनी गहरी परिभाषा बाबा ने दी है। अच्छा, ऐसे सर्व महान, सर्व योग्यताएं संपन्न, गायन और पूजन योग्य और डबल अहिंसक बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। फिर इस मुरली का सार है, इस संगम युग पर तुम बच्चे डबल महिमा के अधिकारी बनते हो। एक बाप समान गुण और शक्तियों के मास्टर सागर बनते हो, साथ साथ आत्मा की सर्वश्रेष्ठ स्टेज की महिमा, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम के योग्य बनते हो। यानी बाबा ने एक तो सागर अपने आप से तुलना की है कि मास्टर सागर बनते हो, अर्थात भगवान ज्ञान का सागर है, परमात्मा प्रेम का सागर है, परमात्मा शांति का सागर है, परमात्मा शक्ति का सागर है, इन सब के तुम मास्टर सागर बनते हो। परमात्मा तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान है, वो हमको देते हैं, हम भी तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान धारण करते हैं। परमात्मा प्रेम का सागर है तो हम प्रेम स्वरूप हैं। बाबा कहते हैं जिस चीज़ का मैं सागर हूँ उसके आप स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांति स्वरूप, शक्ति स्वरूप हो। फिर बाबा कहते हैं गुणों की जब बात आती है तो फिर बाबा कहते हैं सर्वगुण संपन्न, सारे गुण, एक गुण भी कम नहीं और सभी गुणों की परसेंटेज पूरी, 16 कला संपूर्ण, अर्थात हर प्रकार की कलाओं विशेषताओं से संपन्न और संपूर्ण। जैसे बाबा चंद्रमा का मिसाल देते हैं, पूर्णमासी का। फिर संपूर्ण निर्विकारी, उसमें बाबा ने कहा काम महाशत्रु है और अन्य भी किसी भी विकार का अंश मात्र भी ना हो। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम, बाबा ने फिर सारी मर्यादाएं बताई। फिर अहिंसा की तो बाबा ने बहुत बड़ी परिभाषा की, डबल अहिंसक हो, और फिर ये सारी हों तब ऐसे बच्चों की मैं महिमा करता हूँ। 16 कला संपन्न बनने के लिए सर्व कर्मेंद्रियों और सर्व आत्मिक शक्तियों पर अधिकार चाहिए। आप देखिए बाबा ने एक तरफ कहा कि सभी विशेषताओं संपन्न होंगे तो कहा जाता है 16 कला संपूर्ण। अब सभी विशेषताएं या सभी कलाओं में संपन्न, यानी ऐसी कोई भी कला नहीं है जो देवताओं को ज़रा आती नहीं हो या जिसमें अपूर्णता हो। उसके लिए फिर बाबा ने बताया क्वालिफिकेशन क्या है। एक तो इंद्रिय जीत, ये सभी कर्म इंद्रियों कंट्रोल में हो, और इंद्रिय जीत में माया जीत भी आता है और प्रकृति जीत भी आता है, यानी शरीर की इंद्रियां है ना, तो शरीर की इंद्रियां कोई भी इंद्रिय चंचलता न दिखाए, जिसको बाबा कभी कभी एग्जांपल देते हैं सी नो ईवल, क्योंकि आँख की इंद्रिय बाबा कहते सबसे ज़्यादा चंचल होती है। फिर हियर नो ईवल, कान के द्वारा
कोई भी बुरी चीज़ ना बुरा सुनना नहीं है, और कान को ऐसा ट्रेन करना है जो उतना ही सुने जो सुनने योग्य हो, और उसको भी उतना ही सुने, ना कम सुने ना ज़्यादा सुने। फिर स्पीक नो ईवल, तो मुख जो है कहते हैं कि जुबान जो होती है वो सूली पर भी चढ़ा देती है और तख्त पर भी बैठा देती है, तो मुख से कोई अपशब्द ना निकले, किसी को दुख देने वाला शब्द ना निकले। बाबा ने बताया हुआ है कम बोलो, धीरा बोलो, मीठा बोलो। तो मधुर भाषी एक निशानी है सच्चे ज्ञानी की, जो प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान है। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं आपके पांव कभी किसी गलत रास्ते पर ना जाएं, आपके हाथों से कोई गलत काम ना हो, अर्थात सारी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल हो। फिर बाबा कहते हैं ये तो स्थूल इंद्रियां हैं, इनको कंट्रोल करने वाली फिर अंदर की इंद्रियां हैं, जिसको बाबा ने बताया है कि मन, बुद्धि और संस्कार हैं। तो मन जो है, मन को लोग कहते हैं हवाई घोड़ा है, मरकरी है, चंचल है, मन कभी काबू में नहीं आ सकता। तो बाबा कहते हैं मन का कोई दोष नहीं है, क्योंकि मन का आधार है संस्कार। तो जब हम संस्कारों को कंट्रोल करेंगे तो मन कंट्रोल में आएगा, और जिस अनुपात में मन कंट्रोल में होगा उसी अनुपात में बुद्धि कंट्रोल में होगी, नहीं तो संस्कार बुद्धि को भी भटकाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए पंचभूतों के बने हुए शरीर, इन पंचभूतों के ऊपर विजय पाएंगे इंद्रियों पर, तो फिर आप अपनी आत्मा की जो शक्तियां हैं उन पर कंट्रोल करेंगे। अगर टोटल देखा जाए तो इसका मूल यह निकलता है संस्कार पर कंट्रोल। संस्कार परिवर्तन होगा तो संकल्प परिवर्तन होंगे, संकल्प परिवर्तन होंगे तो मन स्थिरियम होगा, मन स्थिरियम होगा तो बुद्धि को श्रेष्ठ संकल्पों का भोजन देगा। इसी तरीके से संपूर्ण निर्विकारी की बाबा ने कही है, जिस व्यक्ति में सर्व विकार सर्व वंश सहित अंश मात्र स्वप्न मात्र में भी ना हो, उसको कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी। चौथा, अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक हर संकल्प, हर सेकंड, हर बोल, हर कर्म, हर कदम ईश्वरी मर्यादा के अनुकूल हो, ऐसे व्यक्ति को ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहेंगे। लास्ट, डबल अहिंसक अर्थात अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न में भी वार न करें, सदा भाई भाई की सहज स्मृति रहे, ऐसे डबल अहिंसक अपनी संपूर्ण सतो प्रधान स्टेज से गिरकर आत्मघात नहीं करते। ये थी मीठे बाबा की आज की मुरली, और इस मुरली में बाबा ने हम बच्चों को जो हमारी डिग्री है उसकी व्याख्या करते हुए उसकी गहराई बताई कि कितनी लेवल तक बाबा चाहता है कि हमारी धारणा शक्तिशाली होनी चाहिए। ओम शांति।